इस रंदा से अभी पूरा काम कर सकते हैं। देखिए इसका जो कसरा है कैसे निकल रहा है, एकदम आसानी से कसरा निकल रहा है। और ये जो रंदा मैंने अभी बनाया है दोस्तों, ये दूसरे रंदा से थोड़ा अलग है। और इसको ही कैसे बनाया जाता है, ऐसे रंदा को कैसे बनाया जाता है, उसको ही इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो रंदा है इसको अभी मैं सनमाइका में भी रंदा करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको ऐसे आप सनमाइका में भी रंदा कर सकते हैं। ये जो रंदा है इस रंदा से आयरन रंदा के जैसे काम कर सकते हैं। जो लोहे का रंदा आता है उससे ये रंदा थोड़ा बेहतर ही है दोस्तों। अगर इसको आप बना लेते हैं तो आपका जो लोहे का रंदा है उसका एकदम जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका जो हैंडल है और जो आगे का जो मुट्ठी है उसको भी मैं लगा के दिखाऊंगा। देखिए इस लेमिनेट का जो धार है उसको मैंने पूरा लेबल कर दिया है इस रंदा से। देखिए पूरा लेबल हो गया है दोस्तों। और इसका जो हैंडल है इसको ऐसे लगाएंगे। इसको मैंने बना के रखा है पहले से ही। इस रंदा को मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था दोस्तों, लेकिन अच्छी तरह से उसको मैंने सेटिंग नहीं किया है। अभी उसको मैं लगा के दिखाऊंगा एकदम। और इसका जो हैंडल है, आगे का जो मुट्ठी है, ये पूरा फोल्डिंग है, इसको आप खोल भी सकते हैं दोस्तों। इसका जो पीछे का हिस्सा है हैंडल का, उसमें मैंने एक मेटल स्क्रू को फिटिंग करेंगे। इसको एक स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसको मैं टाइट करेंगे। बाद में अगर ये खराब हो जाएगा तो इसको खोल के सेंस भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसको मैं अभी फिटिंग कर देते हैं। ये जो स्क्रू है पूरा अभी फिट हो गया है दोस्तों। और इस रंदा को कैसे मैंने कटिंग किया था उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, उसको भी जाके देख सकते है। अभी इसको मैं कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा। अगर ऐसे ही दिखाऊंगा तो ये वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। ये अभी हैंडल पूरा फिटिंग हो गया है। इसका जो दागी है उसको मैं लगा के दिखाऊंगा, लेकिन जो कटिंग का काम है उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक वीडियो दिया हुआ है रंदा को कैसे बनाया जाता है। और ये जो अभी मैं बल्टू लगा रहा हूँ, आगे का जो मुट्ठी है उसको मैं फिटिंग करने के लिए ये बल्टू अभी मैं इसमें लगा रहा हूँ। रंदा का नीचे से एक होल किया हुआ है, ऐसे पूरा होल करके उसमें एक बल्टू को मैंने भर दिया है। आगे का जो ये हिस्सा है इसको मैं इसमें फिटिंग करूंगा। और ये जो होल अभी बन गया है, इस होल में एक लकड़ी का टुकड़ा को मैं लगा दूंगा और पूरा जो जगह है पूरा फ्लैप हो जाएगा। इस तरह से ये जो मुट्ठी है इसको मैं अभी फिटिंग करूंगा। देखिए, और ये भी अगर कभी फट जाए और खराब हो जाए तो इसको एकदम आसानी से खोल के सेंस कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको अभी फिटिंग कर देंगे। एक नट को लगा के इसको टाइट कर देंगे, ये पूरा फिटिंग हो जाएगा। देखिए ये एकदम आयरन रंदा से भी बेहतर रंदा बन जाएगा दोस्तों। देखिए अभी इस बल्टू को पूरा टाइट कर देते हैं। देखिए ऐसे ही पूरा एक स्लायरेंस से पूरा टाइट कर देंगे। पूरा जो हैंडल है, आगे का जो हैंडल है, पूरा अभी बन गया है। अभी इसको मैंने पूरा फिटिंग कर दिया है दोस्तों। अब इस होल को भरना है। ऐसे ही पूरा एक लकड़ी के टुकड़ा को ऐसे बना के इसमें अभी ये जो होल है इसको भर के पूरा फ्लैप कर देंगे। अभी पूरा इसका भी काम हो गया है, एकदम बराबर हो गया है। इसको मैंने पूरा अभी भर दिया है। एक कलर का अगर लकड़ी होता तो इसको पकड़ ही नहीं सकते है कि इसमें एक होल भी किया हुआ है, इसमें एक बल्टू भी हमने भर दिया है दोस्तों। अगर इसको भी खोलना है तो जो बल्टू है, बल्टू में हथौड़ी से आप चोट मार देंगे तो ये भी खोल जाएगा। ये पूरा फोल्डिंग रंदा है दोस्तों, इसको खोल भी सकते हैं एकदम अच्छी तरह से। इसको खोल सकते हैं, ये मुट्ठी को भी खोल सकते हैं और सेंस भी कर सकते हैं। उसको ऐसे भी आप रंदा कर सकते हैं। अभी ये जो हैंडल है, हैंडल में पकड़ के इसको ऐसे भी रंदा कर सकते हैं। आयरन का जो रंदा होता है वो थोड़ा भारी होता है दोस्तों, इसको ऐसे मारने पर थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इस ये जो रंदा है इसको आप एक हाथ से मारने पे कुछ भी दिक्कत नहीं होता है और हाथ में भी दर्द नहीं होता है। और इस काम को अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को भी दबा के रखना दोस्तों। अगर चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। और ये जो अभी रंदा है, रंदा को कैसे मैंने बनाया था उसका दागी को अभी मैं लगा के दिखाऊंगा। और इस लकड़ी पे अभी इसको एक बार सला के देख लेते हैं सही तरीका से कटिंग करेगा कि नहीं। देखिए इसको अभी मैं सला के देख रहा हूँ थोड़ा। और इसका जो कटिंग है पूरा सही तरीका से हो रहा है। इसका जो कसरा है कैसे निकल रहा है उसको भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा कसरा अभी निकल रहा है ये रंदा से। ये रंदा पूरा अभी वर्क कर रहा है दोस्तों, ये पूरा अच्छी तरह से अभी काम कर रहा है दोस्तों। देखिए इसका जो बरोदा है कैसे निकल रहा है उसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो रंदा है ये कितना काम का रंदा है। अभी इसका जो दागी है उसको मैं लगा के दिखाऊंगा इस रंदा में। इस सनमाइका में लगा के नहीं दिखा सकता, इसलिए कागज का टुकड़ा को मैंने लगा दिया है इसमें। सबसे पहले ये दो सूत का जो दागी है इसको लगा लेना है। ऐसे पूरा दागी जो दो सूत का लगा दिया है उससे जो टेपर होगा, टेपर को ऐसे पूरा लगा देना है। टेपर को कितना आपको लगाना है
जितना आपका रंदा का साइज होगा, ये जो रंदा है रंदा का जो साइज है ये 1.5 इंची है, और ये जो 2 सूत का धागी है 2 सूत का धागी से टेपर 1.5 इंची हम दे देंगे। टेपर 1.5 इंची देके ऐसे पूरा धागे लगा देना है। रंदा का साइज अगर ज्यादा होगा जो टेपर का धागी है वो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन धागी ऐसे ही लगा सकते हैं। 1.5 इंची ही आप पीछे के साइड में दे सकते हैं धागी। देखिए अभी मैं ये जो रंदा का साइज है उसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो रंदा का साइज है ये 1.5 इंची है। अभी जो टेपर है टेपर को मैं पूरा 1.5 इंची में धागे लगा दिया है। ऐसे 2 सूत का जो दागी है पहला दागी यानी के पीछे का साइड का जो दागी है उससे मैं टेपर करके 1.5 इंची में दे दिया हूँ। देखिए एकदम अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। अगर रंदा को बनाना है तो 2 सूत का पीछे का साइड का दागी और टेपर का दागी एकदम सेम होगा, यानी दोनों को मिला के दागी लगा देना है। और जो ये फड्डी और ब्लेड जो लगेगा इसका जो जगह है ये 1 इंची मैंने रख दिया है। इसको ऐसे इसका जो गैप है ये 1 इंची आप रख सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पूरा 1 इंची रख दिया है। ये फड्डी 1 इंची का मैं बना सकता हूँ इसलिए, और ब्लेड भी इसमें भर जाएगा। अभी पहले मैंने जो दागी लगाया है ये दागी से ही इसको ऐसे टेपर करके पूरा सेम करके दागी लगा देना है। ऐसे पूरा अभी मैं इसको भी दागी लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे ही पूरा दागी लगा देना है। और ये जो 2 सूत का जो एक आगे का जो दागी है इस दागी से आप टेपर करके कसरा निकलने के लिए इसको ऐसे काटना है। देखिए इसको अभी ऐसे पूरा दागी लगा देना है। अभी ये 1.5 इंची ही दिया है, इसका जो टेपर है ये भी 1.5 इंची से 1 सूत ज्यादा करके मैंने टेपर करके दागी लगा दिया है। अभी ये रंदा का दागी हो गया है, और इसका जो कटिंग है इसको मैंने आगे का एक वीडियो में पूरा कटिंग करके दिखाया है दोस्तों। अभी ये सब दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर किसी को देखना है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। दोनों दो वीडियो मैंने बनाया है, रंदा कैसे बनाना है, हैंडल वेंडल सब कुछ कैसे लगाना है सभी मैंने दिखाया है। अभी ये जो दागी है इसको मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, इसको देख लेना। अगर मेरे कहने पे समझ में नहीं आया है तो इसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को भी दबा के रखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मैं ऐसे ही कारपेंटर से रिलेटेड सभी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर नया है तो।